नमस्ते पैटिल्स किचन में मैं कोमल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सूजी से 3 कलर के आप्पे बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 कप बारीक वाली सूजी ली है। इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप दही और स्वादानुसार नमक डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका अच्छा मिश्रण बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा मिश्रण बनकर तैयार है। इसमें हम 1 चम्मच पानी डालेंगे। यह हमारा मिश्रण बनकर तैयार है। अब इसे मैं साइड में रख दूंगी। और यहाँ पर मैंने सालसा लिया है और हरी चटनी ली है। इनके इंग्रेडिएंट्स और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने उबला हुआ फ्लावर लिया है, ये 2 से 3 चम्मच लिया है। इसे मैंने नमक डाल के बॉईल करके लिया है और एकदम क्रश करके लिया है। इसके अंदर मैं ये वाइट पेपर पाउडर डालूँगी और इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। और हमने जो सूजी का मिक्सचर बनाया है ये हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पर सालसा और हरी चटनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पर फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे और थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मैं इसके अंदर फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर आप पालक की प्यूरी, मटर, शिमला मिर्च और कुछ चाहिए तो आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। इसमें मैंने फ्लावर डाला है, आप चाहिए तो पनीर, प्याज डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सालसा, हरी चटनी का इस्तेमाल किया है। उसी तरह आप इसके अंदर भी नारियल की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस कलर बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैं फ्रूट सॉल्ट यानी कि यूनो का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैं 1-1 चुटकी इनो डाल दिया है मैंने और एकदम थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी करना है। गैस पर मैंने आपके पात्र रखा है, इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे और बनाए हुए मिश्रण को हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके ऊपर ढक्कन रख के हम धीमी आंच पर इसे 2 से 3 मिनट तक स्टीम करेंगे, पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इनको पलटी करेंगे। और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के इसे फिर से हम बंद करके 2 मिनट तक पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं हमारे अपने बने क्या नहीं। तो ये बहुत अच्छी तरह से बन चुके हैं, अभी इन्हें हम बाहर निकालेंगे। ये हमारे अलग अलग फ्लेवर में ट्रिपल कलर अप्पे बनकर तैयार हैं। या आप जब चाहे बनाकर खा सकते हैं इसी तरीके से। बहुत स्वादिष्ट बन चुके हैं ये। आप मीठे दही के साथ या सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।